सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय, कैसे हैं आप? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सेवक चाहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिले और आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन से दुख दर्द या परेशानियां दूर करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको अवश्य ही काल सब दोष के बारे में बताना चाहूंगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, लोग कालसर्प दोष के नाम से बहुत ज्यादा डराते हैं। लोग लूटने का तरीका है अपना। कालसर्प दोष से डरने की जरूरत नहीं है, इससे आप फायदा भी ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जी की पत्रिका में कालसर्प दोष है, क्या वो फेमस नहीं हुए? क्या उन्होंने कमाया नहीं? क्या उन्होंने तरक्की नहीं की? क्या वो बार बार गिरते रहे? नहीं। 12 तरह के कालसर्प दोष होते हैं, सबके बारे में नहीं बता पाऊंगा। हाँ, अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अवश्य ही आपको बताया जाएगा किस प्रकार का कालसर्प दोष आपकी पत्रिका में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, और कालसर्प दोष अगर हम देखें हमारी पत्रिका में क्यों आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि पिछले जन्म में सांप को पीड़ित किया हो, सांप को मारा हो आपने, या आपने मरवाया हो सांप को, तो आपको श्राप लग जाता है। गंदे कर्मों की वजह से भी आपको ये श्राप लग सकता है। आप जानते ही हैं राहु सर है सांप का और पूंछ केतु है। राहु और केतु सदैव उल्टे चलते हैं, बाकी ग्रह सीधे चलेंगे। एक के बाद दो में जाएंगे, दो के बाद तीन में जाएंगे। राहुदेव क्या करेंगे, एक के बाद वो 12 में जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोनों ही उल्टे चलते हैं। राहुदेव और केतुदेव के एक्सेस में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। राहुदेव ऊपर है, केतुदेव नीचे है, उनके एक्सेस में लेफ्ट साइड या राइट साइड सारे के सारे ग्रह आ जाएं। हाँ, थोड़ा सा ये देखा गया, आजकल लोग बोल देते हैं शनिदेव अगर बाहर हो या मंगलदेव बाहर हो तब भी कालसर्प दोष है, लेकिन चंद्रमा अगर इनके एक्सेस से बाहर है तब भी कालसर्प दोष माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को कहीं ना कहीं अब सैटेलाइट माना जाता है। 35 साल तक कालसर्प दोष का असर आता है, उसके बाद कमजोर पड़ जाता है कालसर्प दोष का असर जो एक जातक पर पड़ता है। बड़े सिंपल सिंपल से उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। शिव की उपासना कीजिए, भोलेनाथ की उपासना कीजिए, क्योंकि शिव जो है उनके उनके गले में ही सर्प है। देखा है ना आपने, तो शिवलिंग की सेवा कीजिए, ये तो बहुत ही प्यारा उपाय है। जो बेचारे अपाहिज लोग होते हैं उनकी आपने सेवा करनी है। चांदी के नाग नागिन आपने शिवरात्रि को चढ़ाना है, कहाँ, शिवलिंग में। जिंदा सांप भी आप जंगल में छुड़वा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन या सोमवार को आप अवश्य ही कांसे की एक थाली लीजिए, उसमें आटे और देसी घी का बनाइए हलवा। कांसे की ही छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें देसी घी डालिए, उसमें सांप सांपिन का जोड़ा डालिए। ये भी आप नवरात्रि पे या नवरात्रि में जो नवमी आती है उस पे जाके आप चढ़ा सकते हैं, या बीच में भी सोमवार को भी आप अगर चाह रहे हैं कि भाई इतना वेट नहीं कर सकते हैं तो बीच में भी ये आप उपाय कर सकते हैं। अमावस्या पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं।
और अवश्य ही आपको महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं, मंत्र का जाप। और अवश्य ही एक लॉकेट हमारे कार्यालय में भी मिलता है कालसर्प दोष का, लॉकेट और ब्रेसलेट, ये दो चीजें अवश्य ही मिलती हैं हमारे कार्यालय में। अगर आप चाहते हैं मंगवाना तो आप मंगवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कालसर्प दोष के बारे में और उनके समाधान के बारे में बताया अवश्य ही। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। बस ये सेवक यही चाहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, कि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुखी शांति करें। तो आज्ञा ले लेता हूं आज के लिए। राधे राधे।